तो जी हाँ भाई और बहनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल चुबादी पर। मेरा नाम है पम्मी और गाइस ये रही हमारी माइनक्राफ्ट की फेक लॉगी वाली सिटी और हैंग और सेकंड मेरे को तो अपनी सिटी दिखाई भी नहीं दे रही, इसी तरफ थी। आई थिंक गाइस माइनक्राफ्ट के अंदर कोहरा फॉग बहुत ज्यादा हो चुका है, तो मुझे थोड़ा बहुत करीब जाना पड़ेगा आपको अपनी ब्यूटीफुल सिटी दिखाने के लिए। और ये हैंग और सेकंड मेरे को अच्छे तरीके से याद है ब्रो, लास्ट वाली वीडियो में फेक लॉगी ने, जिसके बारे में आपको अगर पता नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली गाइस हमारी दुनिया के अंदर एक एंटिटी आ चुकी है जिसका नाम है फेक लॉगी, और उसने आप बिलीव नहीं करोगे हीरो प्राणी को समन किया हमारी ठीक आंखों के सामने, जहां पर बंदर ने हीरो प्राणी को किडनैप करके रखा हुआ था ठीक वहीं पर उसने कुछ किया और वहीं पर हीरो प्राणी समन हो गया। और हीरो प्राणी ने आते ही पता नहीं कौन सी पावर मारी, हमारा पूरा टावर उड़ गया। और ये देखो अभी एकदम से रिपेयर हो चुका है, कैसे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ है इस शहर के अंदर। और मैंने अभी देखा ये देखो, ओ माय गॉड, जमीन के अंदर से फायर, ओ ओ ओ ओ ओ भाई मेरे को पास नहीं जाना ब्रो, जमीन के अंदर से एकदम से फायर के पार्टिकल्स निकल रहे हैं यार। एक काम करते हैं, अरे ये देखो जमीन के नीचे आग लग गई है, व्हाट द हेल, अनजान अनजान चीजें हो रही है शहर के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पर तोड़ू, ओ माय गॉड यहाँ पर भी आग लग गई है। तो एक काम करते गाइस, मुझे सारी आग यहाँ से बुझानी पड़ेगी इससे पहले कि ये आग शहर के अंदर फैले और नुकसान करे, अपना ही नुकसान करे। और तो नुकसान होने से पहले मुझे सारी आग बुझानी पड़ेगी। और मैंने अभी यहाँ पर एक चीज नोटिस की, मैंने मेरे को लगा कोई यहाँ से मेरे को देख रहा है, और वाकई में ए हैंग और अ सेकंड ये कौन सा स्ट्रक्चर है। तो काम करते हैं थोड़ा बहुत पास जाके थोड़ी बहुत तहकीकात करते हैं और देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर के पीछे है क्या कोई ना कोई सुराग। आई थिंक मेरे को, ए तू मर गया था लास्ट वाली वीडियो में तो जिंदा कैसे है, ओके ये दूसरा चिकन हो सकता है। एनीवेज पिकैक्स मेरे हाथ में है और अगर मैं स्ट्रक्चर को तोड़ूं तो कोई ना कोई सुराग मेरे को यहां पर मिलेगा, और कुछ भी नहीं है। ले चूना लग रहा है मेरे को यार, चूना एकदम से घटिया लेवल के चूने लग रहे हैं मेरे को। तो एक काम करते हैं गाइस, मेरे को खाने बनाने, What? Please, मेरे को भाई, मेरे को पता कि मोस्टली चीजें यहाँ पर फेक है यार, ये मत करो तुम लोग मेरे साथ। अरे अगर देखा जाए तो लिटरली मेरे को अनलिमिटेड कोयला मिल रहा है यहाँ से, व्हाट द हेल, ये कैसे पॉसिबल ही कैसे है, ये माइनक्राफ्ट के मैकेनिक्स एकदम से खिलाफ है। तो काम करते हैं, वहां पर कोयला मेरे को ग्लिचिंग कर रहा है, तो यहाँ पर जो कोयला पड़ा है क्या ये वाला कोयला ग्लिच करेगा कि नहीं करेगा। एक्चुअली में ब्रोज, एक्चुअली में ब्रो, मैं गाइस आप देख रहे हो बहुत ही बड़ा ग्लिच है, और लिटरली अरे अभी मैंने नोटिस किया कि ये सिर्फ ओर्स मेरे को लेने नहीं दे रहा। अरे भाई इसको लगता है कि, ओए मैंने कुछ कर दिया अपनी इन्वेंटरी के अंदर, इसको लगता है कि मैं ओर्स लेके कोई ना कोई बड़ी आर्मी बना सकता हूँ। तो गाइस इसने ओर्स एकदम से ब्लॉक करके रखी हुई है, बाकी चीजें मैं नॉर्मली तोड़ रहा हूँ। तो ये देखो मैंने यहाँ पर डर्ट का ब्लॉक तोड़ दिया, यहाँ पर मैंने स्टोन का ब्लॉक तोड़ दिया, तो बाकी चीजें टूट रही है। अभी देखना ट्री की हरकतें देखना। तो अगर मैं यहाँ से पिकैक्स, ओके ऑब्वियसली मेरे को पता है मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फटाफट से ट्री तोड़ना है। अरे यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, तो मेरे को याद है अच्छे तरीके से जब लास्ट टाइम मैंने शहर के अंदर ट्री तोड़ा था ना, तो पूरा जंगल ही वहां पर एकदम से ग्लिच हो गया, लेकिन अभी ये चीजें नहीं हो रही। बट एनीवेज गाइस आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट वाली वीडियो में मैं उड़ के जब उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया तो मैं उड़ के यहाँ पर आ गया भाग के, और यहीं पर गाइस मैंने छोटा सा डेरा यहाँ पर जमा कर रखा हुआ, थोड़ी बहुत बकरियां वगैरह मार के मैंने एक छोटा सा टेंट, एक क्यूट सा टेंट मैंने पहाड़ों के ऊपर लगा कर रखा हुआ है। और मेरे को तो पता है खाने पीने की परेशानी हमेशा होती रहती है और मेरी हंगर ऑलरेडी डाउन हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास absolutely fresh मटन तो है ना। तो मेरे पास ये फ्लावर आ चुका है, इसको फिलहाल यहाँ पे उगाते हैं। और बाकी मैंने अभी नोटिस किया कि मेरे पास कुछ रॉ चिकन पड़ा हुआ है, तो इसको भी यहाँ पर डालते हैं फर्नेस के अंदर ताकि एकदम से ये भी रेडी हो जाए। और ये रहा गाइस मेरा छोटा सा अड्डा, दो दो कैंप फायर मैंने लगा कर रखी हैं, ऑब्वियसली मेरे को रोशनी चाहिए क्योंकि अगर रोशनी नहीं होगी तो माइनक्राफ्ट की मॉब आगे पीछे समन होना शुरू हो जाएगी। तो ये रहा मेरा बेड, और ये रहा मेरा चेस, और ये रहा मेरा दूसरा चेस जहाँ पे रोजमर्रा की चीजें मेरे पास पड़ी हुई हैं। अभी दो पहेलियां मेरे को अंदर ही अंदर खाई जा रही है, नंबर वन, ओके नॉट दो पहेलियां, तीन पहेलियां मेरे को अंदर अंदर खाई जा रही है। नंबर वन, लास्ट वाली वीडियो में लॉगी गया था अपने दूसरे शहर, अगर ये सारी सिटी फेक है तो लॉगी कहां गया, किधर गया, वो किधर गया होगा। दूसरी चीजों में को खाई जा रही है, उसने हीरो बन को समन कैसे किया, भाई बंदर ने बड़ी मुश्किल से हीरो बन को पूरा अंदर बंद करके रखा था, लेकिन नहीं इसने एक ही पावर में भाई क्या किया, हीरो बन एकदम से सामने आ चुका है अपने। और तीसरी चीजों में को खाई जा रही है कि अगर ये सिटी फेक है तो असली सिटी कहां पर है। पर एनीवेज एक काम करते गाइस, मुझे थोड़ा बहुत यहां पर रिस्क लेना पड़ेगा, एक काम करते हैं आराम आराम से शहर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार माजरा क्या। और मैंने अभी नोटिस किया और यही चीज मैंने लास्ट वाली के अंदर भी नोटिस की थी कि यहाँ पर मछलियां स्क्विड कुछ भी नहीं है, लाइक कुछ भी जो फ्रेंडली मॉब होती है ना, जैसे मछलियां हो गई, विलेजर्स हो गए, लाइक बहुत सारी चीजें जो होती हैं जो आपकी माइनक्राफ्ट में अंदर हेल्प करती हैं,
वो एक भी नहीं है। और यहाँ पर भी ओर्स है, तो अगर मैं यहाँ पर ओर तोड़ के देखूँ तो ये भी रिस्पॉन हो रहा है। पता नहीं कैसे कर रहे हैं यार, ये इतनी बड़ी लेवल की चोमू गिरी हमारे साथ, वो भी अपनी सिटी में, ये सारी चीजें हमारे साथ कैसे हो रही हैं। और ओ भाई साहब, फिलहाल तो हमारा कोर्स एकदम से क्लियर है। ओके, एक चीज मैंने लास्ट वाली वीडियो के अंदर नोटिस की थी, जब हीरो प्राइन आया था तो मैं उस जगह पर वापस गया था और मैंने वहां पर देखा कि वहां पर रेडस्टोन पड़ा हुआ है। क्या उसने जानबूझकर टीएनटी फोड़ के हमें डराने की कोशिश की? वैसे अगर देखा जाए तो फेक लॉगी हमें डराने की कोशिश कर सकता है, वो एक्चुअली चाहता है कि हम ये सिटी छोड़ के चले जाएं। लेकिन ऑब्वियसली ब्रोस, ये सिटी इतनी आसानी से तो मैं छोड़ने वाला तो हूँ नहीं भाई, अपनी सिटी है। ओके, एक काम करते हैं गाइस, ये पिकैक्स को हटाते हैं और तलवार हाथ में पकड़ लेते हैं। शील्ड हमारी एकदम से रेडी है और मेरे पास हेलमेट भी नहीं है, तो एक काम करते हैं, आज रात घर पे जाते ही सबसे पहले मुझे हेलमेट बनाना होगा। और लास्ट टाइम फेक लॉगी यहाँ पर बैठा था। ओके, फिलहाल तो सब कुशल मंगल है, अभी भी पार्टिकल्स निकल रहे हैं ब्रोस। मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, पता नहीं कहाँ से आएगा, कहाँ से अटैक करेगा, आई डोंट नो। कुछ ज्यादा ही पावरफुल है यार वो। अब ऑब्वियसली जो बंदा हीरो बन को समन कर सकता है उसके पास तो कुछ अद्भुत पावरें होनी चाहिए। ओके हेलो, यहाँ पर लास्ट टाइम उसने हीरो बन को समन किया था और यहीं पर मैंने रेस्टोरेंट देखा था, वो रहा। अरे वो, हे वो भाई, हेलो, देख मैं तेरे को पहले बता रहा हूँ, ये सिटी अपनी है। देख मैं तेरे को पहले बता रहा हूँ, ये सिटी अपनी है भाई, यहाँ पर ये मच करने की जरूरत नहीं है। मेरे को पता है जो तूने हीरो बन समन किया ना, वो भी एक्चुअली फेक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रेस्टोरेंट पड़ा हुआ है। ये काय की प्लान, ये कैसी प्लानिंग कर रहा तू यहाँ पर, और ये हिल क्यों नहीं रहा? तो एक काम कर देगा, अरे हे वो भाई, उसको मत तोड़, उसको मत तोड़। अरे फिगीज, अरे यार, इससे पहले कि ये, ओ माय गॉड, मैंने इसको मारा क्यों भाई, मैं ही गधापंती कर रहा हूँ यहाँ पर। भाग के कहाँ जाऊँ, ऊपर बैठकर। वो भाई साहब, मैं ही गधा हूँ यहाँ पर, मैंने इनको मारा ही क्यों, इतने सारे फिगीज नेदर के अंदर से बाहर कैसे आ चुके हैं? देख मैं तुमको बता रहा हूँ, तो मेरे से बंगे मत ले भाई, मेरे से। व्हाट द हेल, ये गायब हो गया, मेरे गया तो कहाँ गया, टावर के ऊपर बैठा है क्या भाई? ये आ रहा है जा रहा है, इसकी मर्जी हो रही है भाई, मैं खुद अपने शहर के अंदर घुस नहीं पा रहा। तो आई थिंक गाइस, जैसे शहर के आसपास कुछ ना कुछ सिक्योरिटी लगा कर रखी है, इसको पता लग रहा है कि मैं कब आ रहा हूँ और कब जा रहा हूँ। बट एनीवेज गाइस, रेस्टोन का पंगा जो है हमें समझ में आ चुका है, तो शायद उसने हमको डराने के लिए शायद हीरो पैन को समन किया होगा ताकि हम डर जाएं और बिना किसी मारा मारी के साथ ये शहर छोड़ के चले जाएं। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, चोमुगिरी बिल्कुल दिमाग में बैठ ही नहीं रही, जब ये शहर फेक है तो उसको बचाने की क्या जरूरत है? ओ माई गॉड, कितनी सारी तलवारें यहाँ पे पड़ी हुई है, तो एक काम करते हैं, ये हड्डियां छोड़ते हैं भाई, मेरे को हड्डियां यहाँ पर नहीं चाहिए, तो ये सारी बोन्स यहाँ पर फेंक दो, सीड्स भी फेंक दो, ये भी फेंक दो, मेरे को यहाँ पर उठानी है तलवारें, जो भी काम की चीज मिल रही है निकाल लो। और मेरी इलेक्ट्रो कहाँ गई, व्हाट द हेल, मेरी इलेक्ट्रो कहाँ गई? और कल इलेक्ट्रो से याद आया, मेरे को याद है लास्ट टाइम लॉगी इस तरफ गया था अपने शहर, तो काम करते एक्चुअली देख के आते हैं कि वो गया कहाँ यार। तो सबसे पहले, अरे मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल भी नहीं है, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं प्लैंक्स के अंदर और इसका छोटा सा क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं। और क्राफ्टिंग टेबल का सबसे पहले मुझे कन्वर्ट करना होगा अपने प्लैंक्स को एक बोट के अंदर, तो इसको ऐसे रखना है। एंड लीजिएगा गाइस, अपनी बोट एकदम से रेडी हो चुकी है और मेरे को लगता है कि क्राफ्टिंग टेबल शायद बाद में काम आ सकता है, तो उसको मैं वापस तोड़ के अरे दो, बहुत सारी वुड पड़ी है, तो क्राफ्टिंग टेबल मेरे को नहीं चाहिए फिलहाल, मेरे को नहीं चाहिए। और ये फालतू की चीजें इसको हटा, मेरे को नहीं चाहिए, किताबें पढ़ने का शौक मेरे को फिलहाल नहीं है। तो बोर्ड रखते हैं पानी के अंदर और इसी तरफ है गाइस मेरा पिरामिड। और गाइस मेरे को अच्छे तरीके से पता है दुबई सिटी के आसपास ये रेडस्टोन, आई मीन नॉट रेडस्टोन, ये स्टोन की दीवारें, स्टोन के मॉन्यूमेंट्स नहीं है पक्का। ये देखो आसमान के अंदर स्ट्रक्चर्स घूम रहे हैं, पानी पहाड़ों के ऊपर से, ये ऐसा पानी मैंने दुबई सिटी के अंदर अपने नहीं देखा, ये स्ट्रक्चर है ही नहीं वहां पर। तो ये बोर्ड को तोड़ लेता हूं, मेरे को एक्चुअली काम आने वाली है, अंदर ही अंदर मेरे को डर भी लग रहा है। और ये देखो कैसा पानी, मतलब कि ये एब्सोल्युटली किसी ना किसी ने ये पानी यहाँ पे समन किया, ये पानी नेचुरल नहीं लग रहा मेरे को। तो इस तरफ गया था लॉगी और बहुत ही ज्यादा चिंता कर रहा हूं मैं लॉगी के बारे में, ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे को उन लोगों ने लॉगी को कहीं ट्रैप तो नहीं कर लिया? ओ माय गॉड, ये तो लॉगी की बोट है, अरे होली, लेकिन अगर उसकी बोट यहाँ पर खड़ी है तो वो लॉगी कहाँ गया? ए लॉगी, हेलो मामू, कितने, ओ माय गॉड, ये कैसे, ये मशरूम के ट्रीज ऐसे नहीं होते। ओके, एक बात तो कंफर्म है कि ये सिटी अपनी नहीं है, तो अगर लॉगी की बोट यहाँ पर है तो लॉगी किधर है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस सकता है लॉगी, या क्या पता ऑलरेडी फंसा। एक काम करते हैं, आपको तो पता है गाइस, दुबई सिटी के ऊपर जब मुसीबत आती है या हम किसी ट्रबल के अंदर फंस जाते हैं तो हमेशा हम बाबा टीटू की हेल्प लेते हैं। और मेरे को पता है कि बाबा टीटू मेरे को भी निराश नहीं करेंगे, उनकी गुफा में चलते हैं, देखते हैं वहां पर है क्या। और ऑब्वियसली शहर के बीचों बीच, मैंने बोट नहीं उठाई है, हेलो भाई मेरे को बोट चाहिए भाई, मेरे लिए रिसोर्सेज यहाँ पर बहुत ज्यादा कीमती है। बाबा टीटू की गुफा के अंदर जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना अपने गोदाम के अंदर जाए
जा के एक सेपरेट इलेक्ट्रो ले रूँ। और गाइस आप देख रहे हो ना, शहर के अंदर बिल्कुल कॉलम्स भी नहीं है, हमारे गांव वाले भी नहीं है। लास्ट टाइम 2-3 गांव वाले यहां पे फंसे थे और वो भी यहां पर नहीं है, लाइक वो भी चले गए। इसका तो एक ही मतलब है, शायद वो गांव वाले भी निकले हैं। अब टची खोलना क्या है तेरे को। अरे वाह, एकदम ब्रांड न्यू इलेक्ट्रो, मतलब कि अभी आने जाने का रास्ता थोड़ा बहुत जो फंडा है थोड़ा बहुत ईजी हो जाएगा मेरे लिए। एंड यहीं से उड़ो, इससे पहले कि वो मेरे को देखे उड़ते हुए शहर के अंदर से घुस जा बाबा टीटू की गुफा के अंदर। बच गया। एक काम करते हैं, वापस इलेक्ट्रो उतार लेते हैं क्योंकि मेरे को पता नहीं कि आगे कौन सी मुसीबत मेरा वेट कर रही है। और पहनो यहाँ पर डायमंड का आर्मर। तलवार गाइस मैंने एक बार फिर से हाथ के अंदर पकड़ के रखी हुई है, कोई आया तो एकदम से फाज 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 मैंने लगा देनी है। और मैंने व्हाट द हेल, अब ये क्या है भाई, ये नई नई आइटमें मेरे को लाके दे रहे शहर के अंदर। वैसे अगर देखा जाए तो बाबा टीटू तक पहुंचने का ये कोई नया फंडा हो सकता है। आपको तो पता है कभी कभी जब यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर लिवर लगे होते, अनजान अनजान सी चीजें लगी होती हैं और उन चीजों को दबाने से ही बाबा टीटू सामने आता है। तो एक काम करते हैं, तो अगर मैं ये क्या करना, क्या प्लेस एन आइटम ऑन द फ्रेम। अरे ऑलरेडी फ्रेम के ऊपर आइटम लगी हुई है, क्या हुआ, क्या कुछ भी तो नहीं हो रहा है। हैंग हो रहा है सेकंड। अगर मैं इसको उतारूं और इसको भी उतारूं, मेरे पास अभी लिवर था, मैंने अब भी देखा, आई थिंक मैंने यहाँ पर लिवर फेंक दिया नदी के अंदर, कहाँ पर गया मेरे पास अब भी, नो जोक वो रहा पानी के अंदर लिवर भरा हुआ है। मैं इतना ज्यादा घबरा के खेल रहा हूँ ना, मेरे को पता ही नहीं कि मेरी इन्वेंटरी में क्या क्या चीजें हैं, मेरी इन्वेंटरी के अंदर क्या, मेरे सामने क्या क्या चीजें आ रही, मेरे को तो वो भी नहीं पता। ओके अभी चलते हैं, ये लिवर मेरे पास आ चुका है और यहीं पर लगा था फ्रेम। तो अगर ये लिवर मैं यहाँ पर लगाऊं एंड फटाक से खोलो, ओ भाई सब, क्या आपने आवाज सुनी, माइनक्राफ्ट की केव की आवाज आ रही है। और ये कहां पर लेके जाएगी मेरे को ये गुफा। ए हैंग ऑन अ सेकंड, ये कौन से फंडे इन लोगों ने यहाँ पर बना के रखे हैं, ये कोई देख रहा है मेरे को वहां पर। भाई मेरे भाई देख, तू अगर अंदर फंस चुका तो मैं तेरे को वो हिल, वो एक्चुअली में हिल रहा है। एक काम करते हैं, मेरे पास टॉर्चेस भी नहीं है, धत तेरे की यार, पूरी दुनिया का सामान मेरे पास है और जो मेन चीज मेरे को चाहिए टॉर्चेस वो मेरे पास है ही नहीं। और टॉर्चेस बनाने के लिए जो कोयला वगैरह चाहिए होता है वो भी नहीं है। अब मेरे को पता कि जब मैं कोयला माइन करने जाऊंगा तो मेरे को कोयला मिलेगा भी नहीं और मेरे को अभी ज्यादा दूर नहीं चल। अच्छा यार एक्चुअली कोयला मिल चुका है, फटाफट से कोयला उठा लो इससे पहले कि वापस कोयला समन हो जाए यहाँ पर, निकलो। और अभी मेरे पास टॉर्च बनाने का इनफ मटेरियल तो आ चुका है, तो ये जाएगा यहाँ पर, ये जाएगा यहाँ पर और ले जाएगा इस चार टॉर्चे मेरे पास आ चुके हैं। और टॉर्च की अचीवमेंट्स मेरे को क्यों दे रहे हैं भाई, मतलब कि ये रेसिपी बुक मेरे को क्यों दिखा रहे हैं, ये टॉर्च मैं बरसों पहले बना चुका हूँ। हेलो मामा, अंदर कोई डेफिनेटली कोई है, ये देखो ये, ओ माय गॉड फेक लोग अंदर बैठा हुआ है। अरे ये मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा भाई, क्या चक्कर है तेरे को। हेलो ओके आई थिंक मेरे को कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा था। काम करते हैं गाइस, अंदर जाना बेवकूफ़ी होगी लेकिन अगर मेरे को मिस्त्री की तह तक पहुंचना है तो मेरे को एक्चुअली में अंदर जाके पता लगाना पड़ेगा कि आखिरकार माजरा क्या है। देख भाई मैं तेरे को पहले बता रहा हूँ ये सिटी अपनी है, मटर मटर मत कर, मैं यहाँ से भाग जा प्लीज़। देख मैं हम प्यार से बात कर रहे हैं, तेरे को बाहर निकालने का, तेरे को मारने का भाई कोई ना कोई नतीजा मैं यहाँ से निकाल ही लूँगा। ये शीशे के पीछे क्यों अटका हुआ है, ये कैसी, व्हाट किधर किधर, अब भी वे वर्क यार, इसके ये चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही। एक सेकंड यहाँ पर होता है फिर गायब हो जाता है, ये फंटा मेरे को इसका दिमाग में बैठ ही नहीं रहा। तो अगर मैं ये शीशा तोड़ूं और यहाँ पर बाहर जाऊं और आखिरी, ओह माय गॉड आई थिंक गाइस इन्हीं पार्टिकल्स के अंदर जाके वो कहीं ना कहीं छुपा है, ये एक्चुअली उसका डोर हो सकता है। और ये लगता है मैंने उसका मेन बेस खोज लिया, तो घुसते हैं अंदर। वेट ओह माय गॉड ये वो भाई वो मेरे को पड़ रही है यहाँ पर। और कितने सारे स्केलेटन्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, ओह माय गॉड ये देखो विदर स्केलेटन्स, नॉर्मल स्केली और ये विदर रोजेस, और हर एक जगह पर प्रेशर पिट पड़ी हुई है। व्हाट द हेल ये कैसे हो सकता है, ये आखिरकार माजरा क्या है यार, तुमने इतनी डीप डीप गुफाएं बना के रखी है, चाहते क्या हो यार यहाँ पर। मेरे को तो कुछ ऊंचे लेवल की यहाँ पर प्लानिंग लग रही है, क्या चाहता है आखिरकार ये बंदा। तो ये है विलेजर, आई थिंक गाइस ये फिलहाल मेरे को अपनी ताकतों का शो ऑफ कर रहा है। भाई मैं समझ गया तू बहुत ताकतवर बंदा है, मैं समझ गया, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, तू शहर के अंदर कर क्या रहा है, तेरे को ऐसी कौन सी चीज चाहिए हमसे, क्या चाहिएगा तेरे को। ओके अभी मेरे को ऑब्वियसली उस तरफ जाना होगा क्योंकि लगता है बाहर जाने का रास्ता जो है उसी तरफ ही होगा, लेकिन वहां पर मैं जाऊंगा कैसे, वहां पर लावा लगा हुआ है, ऑब्वियसली ऊपर एक टारगेट ब्लॉक लगा हुआ है और उसको एक्टिवेट करने के लिए मेरे को तीर कमान चाहिए जो कि ऑब्वियसली मैं लेके नहीं आया। नाइस वेल डन। ए हैंग ऑन अ सेकंड, यहाँ पर हर जगह पर प्रेशर प्लेट्स पड़ी हुई है, एक्चुअली मैंने नोटिस किया था लेकिन मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट नहीं होगी। तो अगर मैं हर एक प्रेशर प्लेट के ऊपर पैर रखूँ, यहाँ पर भी रखूँ, यहाँ पर भी रखूँ, और कहाँ पर है ये रही। अरे मेरे को लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ खुला, क्या हुआ क्या भाई, तेरे को पता है क्या हुआ, तू ऊपर कर क्या रहा है भाई, तेरे को घर नहीं जाना क्या। बट एनीवेज कोई ना, अच्छा एक प्रेशर प्लेट ये रही, लेट्स गो। ए हैंग ऑन अ सेकंड,
अरे तीर कमान, लेट्स गो। तो ये फेंक लेते हैं। और मेरे को अगर एरोज भी इसने दिए क्या भाई? एरोज नहीं, सिर्फ तीर कमान ही मिल रहे ना। चलो कोई बात है, कुछ तो मिल रहा है। अरे मेरे पास एरोज भी आ रहे हैं। व्हाट, ये देखो 34 से 44 हो चुके हैं। नाइस, चलो कोई बात नहीं गाइस, अभी आगे बढ़ने का फंडा मेरे को समझ में आ चुका है। तो अगर मैं ये जो ऊपर जो मेरा ये लगा हुआ है टारगेट ब्लॉक, अगर इसके ऊपर मैं तीर कमान मारूं तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अरे ग्रेवल, क्या बात है, चोमू बहुत तेज है। Oh my God, इतने सारे कमांड ब्लॉक। अरे बड़ी मुसीबत आने वाली है भाई दुबई सिटी के ऊपर। और ये अरे कमांड ब्लॉक तेरी ऊपर ही गिर रहा भाई मेरे। प्लीज थोड़ा सा सर के साथ उसको पुश कर दे भाई, ताकि पूरा नीचे गिर जाए। चोमू बंदा यार ये, तो एक काम करते हैं, ये वाली प्रेशर पॉइंट मैंने अभी तक नहीं दबाई, तो अगर इसको मैं दबा के देखूं कुछ भी नहीं हो रहा। अरे ये वाली तो मैंने दबाई। अरे नहीं, ओ माय गॉड भाई। अरे यार अपने गांव वाले मर रहे हैं बेवजह यार, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये फेक लॉगी को तो मैं बिल्कुल छोड़ूंगा ही नहीं। तो काम करते हैं, इसको भी तोड़ लेते हैं। जब तोड़ने ही थे तो मैं पहले क्यों ये चीज नहीं की। ओके यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा जेल बना हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं ब्रोज, जेल को तोड़ना हमारे बाएं हाथ का खेल है। और ये क्या चीज बना के रखी है इसने। हेलो, अजीब अजीब फंडे दिखा रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्यों अपनी पावर का शो ऑफ कर रहा है यहाँ पर। मेरे को पता है पावरफुल बंदा। What? Holy! अबे ये कैसा ऑटोमेटिक ट्रैप बना कर रखा है उसने। अरे भाई क्या मास्टरमाइंड ट्रैप है ये। ओ माय गॉड, इससे बचना एकदम नामुमकिन है। ओ भाई मेरे, अरे यार अरे गाइस, ओ माय गॉड, मत आओ सामने, मत आओ, तुम लोग मारे जाओगे वहां पर ऊपर से। अरे ये और एक्टिवेट कर रहे हैं यार, प्लीज मत करो प्लीज। अबे तुम्हें मारने का प्लान बना कर रखा है इस पागल फेक लॉगी ने। हट जा, तू भी निकल यहां से। अरे ओ भाई मैं गया भाई, मैं एक्चुअली मैं जाने वाला हूँ यहाँ पर। हरकतें देख रहे हो, मैं कैसे खेल रहा हूँ यहाँ पर। ऐसे मारूंगा कि मैं फेक लॉगी को, ऐसे मरेगा क्या ये, हट जाओगे। अच्छा है सेकंड, वहाँ पर बटन लगा हुआ है, रुको। तो एक बार फिर से मुझे अपनी पूरी हेल्थ कंप्लीट करनी है भाई। ये ज़ॉम्बीज़ मेरा आज कचरा बना के छोड़ेंगे। एंड जंप मार के हटना, क्या है तेरे को, नहीं हटना। अगर मैं बटन दबाऊं, ओ इससे पूरे ज़ॉम्बीज़ मर रहे हैं। अरे नाइस, लेट्स गो, क्या बात है। तो थोड़े बहुत ट्रैप्स गाइस मेरे को समझ में आ रहे हैं। ओके आगे बढ़ने से पहले मेरे को पूरी हेल्थ अपनी पूरी करनी है, क्योंकि सामने देख रहे हो इतना बड़ा। भागो पहले यहाँ से निकल कर। ओ भाई साहब, ओके बस कर लो। इतने एरोस भाई, हेलो, इतने एरोस तुम लोग लेके कहाँ से आते हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और ओ माय गॉड, ये देख रहे हो सारे कमांड ब्लॉक्स, लेकिन अगर मैं देखूं गौर से देखूं तो सारे कमांड ब्लॉक्स जो है इस तरफ पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन यहां से तो मैं आया हूं। बिल्कुल ये बात बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रही। और ये देखो बिल्कुल हवा के अंदर उसने लैंटर्न लगा के रखी है। होली शिट, हवा के अंदर लैंटर्न लगाने का क्या मतलब है ये कौन? आई थिंक गाइस ये मेरे को एक्चुअली बता रहा है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इससे पंगा मत लो। ये जो बंदा हवा के अंदर लैंटर्न लगा सकता है। और ये देखो, ओ माय गॉड, ये कैसे कर रहा है ये सारी चीज़ें, रुक आज तक कभी समझ भी नहीं आया। तो जो बंदा गाइस हवा के अंदर लैंटर्न लगा सकता है ना, वही माइनक्राफ्ट के अंदर, तो वो लिटरली कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रेशर पेट लगी हुई है। ओ भाई, ओ नो, होली, अबे तुम लोग पागल, उसके ऊपर पैर मत रखो। होली शिट, अरे यार कितने सारे आ चुके हैं, इनको तो मैं मार भी नहीं पाऊंगा। गाइस मैं मर जाऊंगा। तो काम करते हैं गाइस, इनको यहाँ पर लेके आते हैं। ये इनके ट्रैप से मैं इन्हीं को ही मारूंगा। आइए सबसे पहले मेरे को ये वाली प्रेशर पेट तोड़नी है, ताकि बाद में लोचा ना हो जाए। आइए, हाँ एक साथी तुम्हारा गया, ले यहाँ पर हम चिड़ी चिक्का खेलेंगे। चले भी उधर चल, तू भी निकल चल, क्या टेंशन मार रहा है यहाँ पर। ओ घोड़े वाले आ चुकी हैं, ओ मम्मी अच्छा इसकी, सारे मर गए, व्हाट द हेल, सारे के सारे गए। हैंग ऑन अ सेकंड, आगे जाके सबसे पहले मेरे को ये प्रेशर प्लेट तोड़नी है, ताकि और गलती से और समझ ना हो जाए। और अभी मेरे को ये देखना है कि ये प्रेशर प्लेट मतलब कि बाकी मरे कैसे। और हे यो हेलो, देख मैं तेरे को आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ भाई, ऑब्वियसली तू बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी तू नीचे आ, तेरे को बताता हूँ। ये ले तीर कमान खा भाई मेरे, भाई देख मैं तेरे को बता रहा हूँ, अगर तेरे पास पावरफुल है तो हमारे पास भाई जिगरा है। तेरे को पता नहीं है हमने बहुत बड़े बड़े नमूनों को सीधा किया। मैं तेरे को बता रहा हूँ, तेरे को चाहिए क्या आखिरकार। ओ तेरे नीचे आ चुके, हेलो चाचू, हेलो, देख भाई देख, चाहता क्या भाई तू, देख सामने मत आ, सामने, ये क्या कर दिया तूने मेरे भाई, ये क्या कर दिया तू, ओ माय गॉड। ये भाई गाइस आपने देखा, पोशन मार के बिल्कुल डस्ट के अंदर जा चुका है ये। तो गाइस मैं बहुत टाइम से यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, मेरी हेल्थ भी पूरी कम हो चुकी है, और मैं पता नहीं कहाँ पर। व्हाट, ये कौन सी, वो भाई व्हाट, क्या फेंक रहा ऊपर,
ये मेरे ऊपर पानी वाले पोशन काहे फेंक रहे हैं? हेलो भाई, क्या चक्कर क्या? तो गाइस ये किसकी लैब है? तो ये एक छोटी सी लैबोरेटरी के अंदर मैं आ चुका हूँ। तो ये क्या लिखा है? हीरो ब्रायन की लैब। चल बे नूबड़े, हीरो ब्रायन की लैब बड़ा रही। देख मैंने ऊपर आके तेरे को लगा देनी है, तेरे को पता नहीं मेरे पास लाइटर है, क्या कर लेगा तू? तू कुछ भी नहीं कर सकता, तेरे को तू नीचे, तेरे को बताता हूँ मैं। ये क्या फेंक रहा है? ग्रेवल फेंक रहा है यार, क्या नोट टीएनटी नहीं लगना। टीएनटी मत मत चला इसको, टीएनटी नहीं चलाना। व्हाट? अरे यार मार दिया तूने मेरे को। अरे यार मैं मर गया और मेरे सारी आइटम्स चले गई यार। अगर मैं डब्बे के अंदर खोल के देखूं तो यार यही वो आइटम्स है जो मैंने लास्ट टाइम सेव करके रखी थी और कुछ भी नहीं बचा। और बारिश भी हो रही है ऊपर यार। ओ तेरी, देख भाई तुम लोग गलत कर रहे हो, ये एब्सोल्युटली गलत बात है। वो सिटी अपनी है, तेरे को बताता हूँ मैं, वो सिटी अपनी है। ओ भाई वो सिटी अपनी है, तुम लोग प्राइवेट सिटी के ऊपर कब्जा कर रहे हो। क्यों चाहिए तुम्हें सिटी और ये सब कुछ फेक कैसे? मेरे को अभी तक बिल्कुल एक बात समझ में नहीं आ रही। ओले मेरे दो हार्ट है, सॉरी ब्रो मेरे मामू, ओके नॉट ब्रो, मेरे दो हार्ट है, प्लीज मेरी हेल्प कर दे मेरे भाई, प्लीज भाई। तेरे ऊपर ही मेरे उम्मीद है, तेरे को याद है तेरे को हमने बचा के रखा था, तेरे को हमने लॉग इन ने मार दिया। ये क्या लिखा है? ये मैं क्या बोल रहा हूँ? This is the biggest trap. If you die now, you will die forever. Lo. मतलब कि अगर मैं अभी Minecraft के अंदर मरा तो मैं हमेशा के लिए कभी समन नहीं हो पाऊंगा।